जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी YouTube चैनल अनूप रॉय रॉय डिफेंस अकेडमी में। आज हम आपको सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट थर्ड पढ़ाएंगे और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। आप लास्ट तक देखते रहिए और जो भी क्वेश्चन करेंगे आपको एग्जामिनेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लास्ट तक इसको देखते रहिए। पहला क्वेश्चन है कि एक रुपया का चार वर्ष में बैच 40 रुपया हो तो 450 रुपये का 2 वर्ष में ब्याज का दर कितना है। क्वेश्चन देखो, दो तरह की क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इकाई मेथड में भी कर सकते हैं। इकाई मेथड में किस तरह के होता है, जैसे मान लो एक रुपया का 4 वर्ष में 0.40 पैसा है, यह रुपया है, तो एक रुपया का 1 साल में 0.40/4 यानी कि 10 रुपया है, ये इसकी तैयारी है। अगर रिसीव होगा 450 रुपया का 2 वर्ष में कितना होगा, तो 0.10×2×450 ये हो जाएगा 100। अभी इसको उठा देंगे तो इधर नीचे 100 हो जाएगा, ये दोनों काट देंगे, ये काट दिया तो यानी कि 90 रुपये। दूसरे तरीका में अगर एक रुपया का 4 वर्ष में 0.40 रुपया है, तो इसका एक रुपये के एक वर्षों में कितना हो जाएगा, 0.10 रुपया हो जाएगा। तो यानी कि ब्याज का जो दर है वो 10% है। ब्याज का दर कितना प्रतिशत है, 10% ब्याज दर हो जाता है। ब्याज दर 10% हो गया तो बोला जाए ब्याज दर 40 रुपया है, तो ब्याज दर 10% हो गया। तो अभी हमें पूछा 450 रुपये का 10%, तो हम इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P×T×R/100 यानी कि प्रिंसिपल हमारे पास 450 रुपये है, टाइम 2 वर्ष है, आर इक्वल 10 है, इंटू 100 ये काट दिए, दोनों काट जाएगा यानी कि 90 रुपये। क्लियर है, इसका आंसर कितना हो गया, 90 रुपये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ वार्षिक 4.18% की दर से कितने रुपया का ब्याज दर हर रोज 1 रुपया होगा, हर रोज 1 रुपया होगा। अभी ध्यान दो, हमें क्या पूछा है कितने रुपया का, यानी कि प्रिंसिपल पता नहीं, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/R×T। अभी सिंपल इंटरेस्ट कितना, ब्याज दर कितना है, ब्याज है, अब इनकी इंटरेस्ट कितना। अगर हर रोज 1 रुपया मिलता है तो 1 साल में उसको कितना मिलेगा, 365 रुपया मिला है। हर रोज 1 रुपया मिलेगा तो 1 साल में उसको 365 रुपया मिलेगा साल में। तो दूसरी बात है, आपको चाहिए R परसेंटेज कितना है, 4/1/8% यानी कि 73/18%। और क्या साल, 1 साल के लिए पूछा, बोला साल 1 साल में वार्षिक सूद पूछा, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 365 इसका ब्याज हो गया, 100 रुपीज हो गया, और ये 73/18 हो गया और इंटू 1 साल के लिए हो गया, यानी कि हम इसको करेंगे 365×100×18/73। अब 73 से 365 करते हैं, कैसे, 3 5 15 5 से कट जाएगा, 3 5 15 5 7 1 3 7 21 5 7 35 36 5 से काट जाएगा। तो अभी इसका कितना हो गया, 5 8 90 और 2 0 और हो जाएगा इतना रुपये, 9000 रुपया। क्लियर है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है कितने रुपया का वार्षिक 10% की दर से एक दिन में एक रुपया ब्याज होगा। यानी कि सबसे पहले ये देखना है कितने रुपया का, यानी क्या पूछा, प्रिंसिपल पूछा। अगर प्रिंसिपल निकालेंगे तो हमने सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/R×T। अब देखेंगे क्या क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया 1 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 रुपया। और क्या पूछा इसमें, 100 R पूछा कितना, 10% 10%।
और एक दिन मतलब एक दिन को समय को अगर हम साल में करेंगे तो एक दिन को 365 से भाग कर देंगे, ये यानी ये वर्षों में हो जाएगा, वर्षों में कर देंगे। ओके तो अब हम इसको बैठाएंगे तो क्या है 1 × 100 बाय आर हो गया 10% इंटू 1/365, तो 365 को क्या होगा 100 × 365/10, इसके साथ इसको काट दिया तो कैलकुलेशन में क्या होगा 3650 रुपया। अगर इतना रुपया का 10% दर से एक दिन में 1 रुपया ब्याज होगा, ये इसकी प्रिंसिपल है मूलधन। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्याज दर कितना होने से किसी धनराशि का 5 वर्षों में ब्याज मूलधन का 1/5 अंश होगा। यहां पर क्या है धनराशि और मूलधन एक ही बात है, दूसरी बात है ब्याज दर कितना होने से मतलब होता है रेट प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है रेट प्रतिशत, रेट का परसेंटेज कितना है, रेट पूछा है। तो हमने क्या बोला आपको जो पूछा है उसका हमने निकल फॉर्मूला लिख देते SI × 100/P × T। आप देखते हैं इसमें क्या है टाइम कितना दिया है 5 वर्ष। पहले तो मूलधन लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे मूलधन, माना कि मूलधन इक्वल टू क्या है पी, तो ब्याज क्या होगा मूलधन का 1/5, तो ब्याज कितना होगा ब्याज होगा P/5 क्योंकि मूलधन का 1/5 यानी कि मूलधन जितना होगा उसका 1/5 होगा यानी कि P/5 इसका ब्याज है, इतना रुपया है ये रुपया है। ओके अब क्या पूछा है वर्ष समय, समय इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 5 वर्ष, 5 ईयर्स, 5 वर्ष समय। तो हमें चाहिए क्या साधारण ब्याज चाहिए, अभी देखो क्या होता है ब्याज हो जाएगा मूलधन ब्याज हो गया P/5 और 100, मूलधन हो गया P, समय हो गया 5 ईयर्स, तो इसके साथ इसको जब काटेंगे तो 5×100 यानी कि 20P/1 कुछ नहीं मतलब इसके नीचे 1 है बाय ये होगा 5P, इसको हम लिखेंगे क्या 20P/1 × 1/5P, तो इसके पी काट गया इसके साथ भी इसको काट दिया तो 4 हो गया यानी कि R इज इक्वल टू 4%। ये सारे परसेंटेज में है, ये भी क्या है, ये भी क्या है परसेंटेज में, ये भी क्या है परसेंटेज में, तो आंसर भी क्या है परसेंटेज में, तो रेट प्रतिशत कितना 4% है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, देखते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ ब्याज दर कितना होने पर किसी मूलधन 10 वर्ष में दुगुना होगा, यानी कि मूलधन जो है उसका डबल होगा। माना कि मूलधन क्या है, माना मूलधन है पी, मूलधन माना पी है, अगर मूलधन पी है तो डबल होने का मतलब मिश्रधन 2P होगा, मिश्रधन 2P, मिश्रधन मतलब अमाउंट, अमाउंट कितना हो जाएगा 2P हो जाएगा। अगर मूल मिश्रधन से मूलधन माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज, ब्याज कितना है ब्याज हो जाएगा 2P-P यानी कि P, ब्याज भी P है और मूलधन भी P है। इसके बाद क्या है हमें क्या पूछा कितना दर से ब्याज दर कितना है यानी कि आर, आर इज इक्वल टू क्या है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/P × T, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या है मूलधन पी, पी इंटू 100/ मूलधन भी पी है इंटू समय कितना है, समय हमें एक साल के लिए पूछा 10 वर्ष, T इज इक्वल टू 10 ईयर्स, तो 10,
ये काट दिया इसके साथ इस काट दिया तो कितना है 10 हो गए, यानी कि आर इज इक्वल टू 10%। मैंने बता दिया पहले ये आर जो भी निकले ये भी परसेंटेज का है और ये भी परसेंटेज का है, तो 10% इसकी आंसर है। क्लियर है? अगर हम 100 से भी करेंगे तो भी हो जाएगा, ये 100 में अगर हो जाए मूलधन डबल हो जाएगा, यानी कि 200 रुपया हो जाएगा। 200 से 100 मिलेंगे तो 100 काट जाएगा, आप करके देख लेना उसमें हो जाएगा। अगर आप पी ना लेके एक्स ना मान के अगर 100 मानोगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? देखते हैं अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ कितना प्रतिशत वार्षिक दर से 6 वर्ष का ब्याज मूलधन का 9/25 अंश होगा। अगर माना कि मूलधन, माना मूलधन क्या है, प्रिंसिपल, मूलधन इक्वल टू पी, तो मूलधन का ब्याज कितना होगा? ब्याज क्या है? मूलधन का इतना, यानी कि पी इंटू 9/25, ये इसका ब्याज है। तो अभी टाइम कितना है? समय, समय दे दिया 6 ईयर्स, 6 वर्ष। पूछा क्या है? पूछा है कितने वर्ष में, यानी कितना प्रतिशत वार्षिक दर से, आर परसेंट पूछा, आर प्रतिशत पूछा। आर प्रतिशत का मतलब होता है अब आपका सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/P/T, ये इसकी परसेंट। तो हम इसको कर सकते, लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट की दम ब्याज है 9P/25×100 और नीचे पी प्रिंसिपल, तो पी है समय है 6 ईयर्स, इसके साथ इसको काट देंगे 4×4, यानी कि हम इसको लिखते हैं 4×9=36P/1/6P। अगर हम इसको तोड़ने से कैसे होगा, 36P/1×1/6 हो जाए, 6 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1/6 हो जाए। ये पी काट दिया 6×6=36 हो गए, यानी कि 6%, ये टोटल परसेंट में हो हिसाब किताब है, यानी कि आर इज इक्वल टू 6%। ये है एक क्वेश्चन, अगले टाइप का है, सब एक ही तरह के क्वेश्चन तरह कराया आपने इसको, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।